पंजाब में किसान कल्याण रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले 70 सालों के इतिहास में किसानों की नहीं सिर्फ एक परिवार की की गई चिंता, देश का किसान चैन से सोए ये कांग्रेस को मंजूर नहीं। फ्रांस को पछाड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पहले नंबर पर काबिज, चीन का दूसरा स्थान। सोशल मीडिया में पीएम मोदी का जादू बरकरार, ट्विटर पर 4.2 करोड़ फॉलोअर्स के साथ दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता बने, 1.1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता बनी सुषमा स्वराज। ताजमहल के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा सहेज नहीं सकते तो ढहा दो, 31 जुलाई से इस मामले की रोजाना होगी सुनवाई। दिल्ली के बलीमारान स्थित राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने फीस नहीं देने पर 50 बच्चियों को 5 घंटे तक बनाया बंधक, सीएम केजरीवाल ने मांगी रिपोर्ट, पुलिस ने जेजे एक्ट की धारा 75 के तहत दर्ज किया मामला। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बनारस पहुंचे सीएम योगी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक, 14 जुलाई को 2 दिवसीय दौरे पर बनारस आएंगे मोदी। धारा 377 पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा फैसला, अदालत ने कहा आपसी सहमति से दो बालिग व्यक्तियों के बीच बने संबंधों को नहीं माना जा सकता है अपराध। मुन्ना बजरंगी की हत्या पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादास्पद बयान, बोले ईश्वरीय शक्ति ने की है हत्या में मदद, सबको भुगतना पड़ेगा कर्मों का फल। रेपिस्तान ट्वीट को लेकर कश्मीरी यूपीएससी टॉपर शाह फैजल के खिलाफ एक्शन, फैजल ने नोटिस को ट्विटर पर किया पोस्ट, लिखा बलात्कार के खिलाफ मेरे व्यंग्यात्मक ट्वीट के एवज में बॉस से प्रेम पत्र मिला। राजस्थान के बाड़मेर में इंसानियत हुई शर्मसार, सड़क हादसे में घायलों को तड़पता छोड़ सेल्फी लेते रहे लोग, इलाज के अभाव में 3 की हुई मौत, सोमवार को चौहटन इलाके में हुआ था हादसा।